जाने में बहुत प्रॉब्लम है। सही बोले। कभी बस छुट जाती है, कभी पानी गिरता है, तो कभी नींद ही नहीं खुलती। हे गाइस, गुड इवनिंग। तो आज का ब्लॉग मेरा रात का स्टार्ट हुआ है और अभी आई हुई है मम्मी। तो मैंने ना कोई भी ब्लॉग नहीं अभी तक शूट किया है। शादी के मेरे ब्लॉग बहुत सारे आने के रह गए हैं तो उन्हें भी एडिट कर करके मुझे डालना है। और आज मुझे अचानक से जाना पड़ रहा है भोपाल। तो आज मतलब दोपहर में ही प्लानिंग हुई और मुझे रात में भी निकलना है। तो 9:30 या 10 बजे की मेरी बस है, बस से जा रही हूँ मैं। मम्मी अचल ठाकुर साहब नहीं जा रहे हैं, ठाकुर साहब घर पर हैं। पहले प्लानिंग हुई थी कि ठाकुर साहब जाएंगे, लेकिन उसके बाद प्लान चेंज हुआ और अब मैं जा रही हूँ, मम्मी जा रही हैं। तो बस हमारा टाइम हो गया है और हम लोग निकलने वाले हैं। तो हो सकता है कि मैं एक पूरा फुल ब्लॉग बनाऊं वहाँ का, बने रहेगा मेरे चैनल पे। फर्स्ट टाइम चैनल पे है तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा एंड कमेंट करिएगा। अभी मैं गिर जाती हूँ तो चलते हैं और बस नीचे दरवाजे लगा के आना। ओके, हाँ ठीक है, ताला डाल। चुके हैं भोपाल और जस्ट अभी हम लोग गाड़ी से बस से उतरे हैं और अब दूसरी बस में बैठे हैं दीदी के घर जाने के लिए। रात हमारी बहुत बुरी कटी क्योंकि हमें स्लीपर कोच नहीं मिली थी और हमें मतलब जो एजेंट है उसने भी बताया नहीं था और हम लोग बैठ गए। बहुत परेशानी से हम लोग आए हैं। इसमें मम्मी की हालत तो इतनी ख़राब थी, मम्मी जिनके साथ बैठी थी उन्होंने मम्मी को लेटने नहीं दिया। बैठे रहो तो मैं अकेली लेटूंगी, मैं बीमार हूँ। मम्मी क्यों, मम्मी तुम कह रही मैं भी तो बीमार हूँ। मगर भैया उन्होंने माना नहीं। मम्मी भी रात भर बैठी रही, मैं भी रात भर बैठी रही और अचल भी बैठे बैठे सो के आया। मतलब बहुत हालत हम लोगों की खराब है आज। तो बस दीदी के यहाँ जाते हैं और उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ। फाइनली हम पहुंच गए दीदी के यहाँ और मम्मी चली गई दीदी के साथ। मैं और अचल जा रहे हैं पैदल, दीदी आ रही है लेने दोबारा से। हम लोग भोपाल आ गए हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं कहाँ, टीवी मॉल। साथ में जा रहे हैं अचल को दिखाने डॉक्टर को, क्योंकि अचल को फीवर आ रहा है 3-4 दिन से। तो हमने सोचा यही कहीं अचल को दिखा भी देते हैं। देखिए कितने काले बादल, अपने कितने काले बादल हुए, देखो कितने काले बादल हुए इसमें दिख रहे हैं। इसमें दिख रहे हैं। तो हम लोग जा रहे हैं अभी अचल को दिखाने डॉक्टर के पास और उसके बाद जाएंगे टीवी मॉल और फिर देखते हैं एक फिल्म। लोग बना रहे पर मम्मी से बैठते नहीं बन रहा, लिफ्ट में बैठते नहीं बन रहा, मुझसे भी नहीं बैठ रहा। कह रहा है चल, मैं भी डर गई मम्मी को देख के। हम लोग ना इतने ज्यादा डर गए, लिफ्ट में मम्मी से बनी नहीं रहा था चढ़ते, तो हम लोग भी कोई नहीं चढ़े वहां से, फिर हम लोग यहाँ आए इसलिए। अभी हम लोग जा रहे हैं पिज्जा हट और उसके बाद जाएंगे फिर हम लोग कोई पिक्चर देखने के लिए। KFC जाना था अचल को, मगर KFC नहीं जा रहे हैं, इसलिए पिज्जा हट जाएंगे। तो हम आए हैं अभी डीवी मॉल और ना ये दीदी के घर के बहुत ही पास में है, मतलब आराम से यदि पैदल भी आना चाहें तो हम लोग आ सकते हैं, पर हम लोग नहीं आए। हम लोग अचल को थोड़ा सा फीवर है इसलिए हम लोग ना ऑटो करके यहाँ तक आए थे। तो डॉक्टर को भी दिखाएं और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ आए, तो वो काफ़ी चिड़चिड़ हो रहा है।
और उसे काफ़ी ठंड लग रही थी, तो हमने ना सारे टेस्ट वगैरह उसके दूसरे दिन हमारे पूरे टेस्ट हमने उसके करवाए थे, लेकिन वहाँ पे उसको कुछ भी नहीं निकला। तो फिर उसके बाद इसलिए हम लोग दो से ज़्यादा मतलब 3 से 4 दिन हम लोग वहाँ रुके, और उसके बाद फिर हम लोग लौटे थे। सही बोले। कभी बस छुट जाती है, कभी पानी गिरता तो कभी नींद ही नहीं खुलती। सृजन के कॉलेज में हमारा काम हो गया है, मुझे प्रिंसिपल से मिलना था, तो वो सारा काम हम लोगों ने निपटा के, और 12 तारीख से सृजन के एग्ज़ाम है, तो इसलिए हमें आना था यहाँ। और अब हम लोग घर जाएंगे और खाना खाने के बाद फिर हम लोग निकलते हैं कहीं कहीं घूमने के लिए। तो घर आके ना बारिश भी बंद हो गई थी, हम लोगों ने खाना वगैरह खाया और अब हम लोग बड़ा तालाब देखने के लिए आए हैं। तो भोपाल आए और बड़ा तालाब ना देखें, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे आई हूँ, मैं अभी तक कभी भी नहीं आई, क्योंकि जितने बार भी मेरा आना हुआ है ना कुछ काम से ही आई हूँ, और बिल्कुल जल्दी में ही मुझे लौटना पड़ा है। इसलिए मैंने सोचा नहीं, इस बार मैं बिल्कुल देख कर जाऊँगी, क्योंकि हमें अभी 2-3 दिन और रुकना है। तो जहाँ जहाँ भी होगा सब जगह हम लोग घूम लेंगे, कुछ जगह तो रह जाएंगी, क्योंकि मम्मी की 2-3 फ्रेंड्स हैं उनके यहाँ जाना था, पर नहीं हो पाएगा वो, क्योंकि इतना टाइम नहीं, क्योंकि मुझे अचल को दिखाना है और अचल को दिखाने में मेरा टाइम चला जाएगा, इसलिए भी हम लोग और जगह नहीं जा पाए, कुछ ही जगह हम लोग घूमे गए हैं। तो बाकी तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया है, बाकी मैंने सिर्फ आज यहाँ पर वीडियो बनाया था। तो ये मेरी दीदी का बेटा है और दीदी ने भी आज छुट्टी ली थी, तो सब लोग मिलकर आए हैं यहाँ पर, और बहुत ही प्यारा व्यू लग रहा था, क्योंकि बारिश हुई थी थोड़ी देर पहले ही, तो बहुत ही बढ़िया ऐसा खोप सा था। और हम लोग जैसे ही नाव में बैठे ना, तुरंत बारिश फिर से स्टार्ट हो गई, तो हम लोग सब छाता लेके फिर बैठे, और हमने मतलब यदि हम लोग ज़्यादा देर बैठते तो हो सकता कि टाइम ज़्यादा चला जाता और फिर हम लोगों को बोटिंग करने को ही नहीं मिलती, इसलिए हम लोग फिर बारिश में ही बैठे और हम लोग ने वैसे ही बोटिंग करी थी। तो ये मेरी दीदी का बेटा है और इसी ने मेरे सारे वीडियो आज का बनाया था। तो भाई प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर करा करिए, यदि वीडियो आप लोग को थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो, और क्या आप लोग ट्रैवलिंग वीडियोस मेरे देखना चाहते हैं, अगर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए, बताइए, अपना सजेशन आप मुझे दीजिए, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आप लोगों के लिए बनाऊँ। क्योंकि हम वीडियो इतनी मेहनत से बनाते हैं और फिर ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते ना, तो हमें भी उतना मज़ा नहीं आता, फिर इसी चक्कर में बहुत सारी वीडियोस तो मैं अपलोड ही नहीं करती हूँ, एडिट करके और उन्हें डिलीट कर देती हूँ, क्योंकि इसके पहले वाली वीडियोस में यदि व्यूज़ नहीं आए तो मुझे लगता है कि नहीं, अब नहीं डालना चाहिए। इसलिए मैंने ना आज
पूरा सिर्फ एक ही वीडियो, मतलब मैंने एक ही उसमें पूरा एक वीडियो बना दिया है। मैं नहीं तो और भी बहुत अच्छी अच्छी जगह हम लोग गए थे, सारे वीडियोस बनाती पर मैंने नहीं बनाई हूँ। और लास्ट में जब हम उतरे तो यहाँ का एक व्यू मैंने लिया है, बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो ये मेरा भोपाल का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये ब्लॉग। तो मिलती हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।